नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजीव है और आप देख रहे हो फिल्मी ओपिनियन। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा शाहरुख खान की अपकमिंग दो मूवी जवान और डंकी की दो एक्सक्लूसिव अपडेट्स जो आज के दिन सामने आ रहा है। तो दोस्तों उसको जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। कुछ भी अगर पसंद आता है वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो पहला अपडेट जो है वो जवान मूवी को लेकर है। आप जानते हो कि जवान मूवी का क्रेज काफी बढ़ चुका है। आज के दिन फिल्म जो है 7 सितंबर को रिलीज करेगी और उसका मतलब बस इतना है कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फाइनल ट्रेलर जो है वो आ जाए। लेकिन दोस्तों ट्रेलर आने में थोड़ी जो है वो देरी है, लगभग और 3-4 दिन की देरी है, क्योंकि ट्रेलर जो है उसको अभी तक सर्टिफिकेशन नहीं मिला है, उस पर काम चल रहा है। और अब जो है आपका फिल्म की एक गाना रमैया बोल के एक जो गाना थर्ड सॉन्ग जो है वो आने वाला है, वो लगभग रेडी है, उसका सर्टिफिकेशन हो चुका है और शायद कोई भी 1-2 दिन के अंदर में आपको ट्रेलर 2 से पहले आपको शायद गाना सुनने के लिए मिल जाए। तो ये एक बड़ी खबर है। दूसरा खबर जो है इस फिल्म को मतलब फिल्म के लिए कि इस फिल्म को फाइनली जो है EUA सर्टिफिकेट पूरा एज ए होल फिल्म को मिल चुकी है और इसका टोटल लेंथ जो रन टाइम है वो 2 घंटा 49 मिनट 14 सेकंड का है, जो काफी बड़ा है इन टर्म्स ऑफ रिसेंट बॉलीवुड रिलीजेस। लेकिन नाम भी तो बड़ा है, शाहरुख खान इन एंड एज उनका जो दो किरदार आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो शायद हो सकता है कि स्टोरी बिल्डअप के लिए कहानी जो है थोड़ी लंबी रहे। लेकिन फैंस के लिए तो वाह वाह है, क्योंकि 2 घंटा 50 मिनट तक वो शाहरुख खान को स्क्रीन पे देख सकेंगे। तो ये था इस फिल्म से जुड़ी दूसरी अपडेट्स। अब बात करते हैं डंकी फिल्म को लेके, जिसमें थोड़ा बहुत स्पेकुलेशन चल रहा था कि भाई फिल्म शायद डिफर हो जाए नेक्स्ट वीक को लेके नेक्स्ट ईयर तक। तो वैसा कुछ नहीं है, फिल्म जो है नाउ इज सेट टू रिलीज ऑन 22nd of December, मतलब क्रिसमस वीक में ये फिल्म जो है रिलीज होने वाली है। और इसका जो पहला टीजर बोले या फिर ट्रेलर बताइए, कुछ भी ऐसा कुछ आने का प्रबल जो संभावना है वो है बेसिकली टाइगर 3 के समय में, जब ये दिवाली में रिलीज की जाएगी। टाइगर मतलब टाइगर का ये जो फ्रेंचाइज है, इसके साथ आप जानते हो शाहरुख खान का एक्सटेंडेड कैमियो है, तो इसके अंदर शायद इसके पहले मतलब फिल्म मतलब सिनेमा घर में दिखाने से पहले एज ए ट्रेलर या टीजर कुछ दिखाया जाएगा। लेकिन मुझे जो लग रहा है कि फाइनली इसका जो फर्स्ट ग्लिम्प है, मतलब थोड़ा बहुत एक प्री टीजर हो गया या कुछ ऐसा टाइप का जो है, वो 2 नवंबर को आपको शायद देखने के लिए मिल जाए, जो शाहरुख खान का बर्थडे है। तो मेरा एक्सपेक्टेशन यही है कि ट्रेलर जो है वो आएगा उस समय में और टीजर जो है शायद 2 नवंबर को रिलीज कर दिया जाए आपके साथ। तो फिल्म का आना लगभग तय है, जो अटकलें लगाई जा रही थी कि डिफर हो सकता है वैसा कुछ न्यूज अब तक नहीं है। सूत्रों की माने तो फिल्म कंफर्म रिलीज होगी और उसका प्रमोशन जो है शाहरुख खान के जन्मदिन से शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों यही था दो जवान और डंकी मूवी से घिरे कुछ अपडेट्स। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो को लाइक शेयर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ मेरा अगला कोई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।